जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मुझे जो है नियुक्ति पत्र मिलने वाला था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो आज मैं समारोह में शामिल होने गया था। आप देख पा रहे होंगे अभी जस्ट मैं जो है यहाँ आया हुआ हूँ रूम पे और पसीना भी नहीं सूखा है सही से, और मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ। सोचिए सबसे पहले जो है आपको मैं अपडेट दे दूँ, क्योंकि मैं जो आपको देखी जो बात सुना तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो बात था कि लड़के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि हमारा जो ट्रेनिंग है बिपार्ड में होगा या नहीं होगा। तो उन सभी भाइयों के लिए खुशखबरी है कि साफ साफ जो है राजस्व एवं भूमि सुधार के सचिव के द्वारा बोला गया है कि आपका जो ट्रेनिंग है अगले माह से बिपार्ड में होने जा रहा है और लगभग 1000 का बैच बनने वाला है। 4 बैच बनेंगे और 4 बैच में जो है 4000 का जो ट्रेनिंग है 4 माह के अंदर बिपार्ड में हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लड़के लोग दुखी हो रहे थे कि जैसे पंचायत सचिव का जो ट्रेनिंग हो रहा था पूरा रईसी के साथ, होटल का व्यवस्था, अच्छे अच्छे खाने मिल रहे थे, तो बहुत तरह का असंतुष्टि की भावना थी राजस्व कर्मचारी के अंदर। तो असंतुष्टि आपका जो है आज दूर हो जाएगा। और दूसरा जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों, वो है लैपटॉप को लेकर कि प्रत्येक राजस्व कर्मचारी को अपना एक लैपटॉप मिलेगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के थ्रू, जिससे कि वो ऑनलाइन काम कर सकेंगे। उन्हें जो है ऑनलाइन काम के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के समक्ष आश्रित नहीं रहना होगा। और तीसरा जो अपडेट था जो दोस्तों, जो कि आप लगातार मुझे कह रहे थे कि गृह जिला के लिए आवाज़ उठाइएगा, गृह जिला के लिए आवाज़ उठाइएगा, तो अब मैं इस मैटर पे आता हूँ। देखिए, सभी को जो है नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के थ्रू नहीं मिल पाया, क्योंकि सभी जिलों से सिर्फ 1 या 2 लड़कों को जो है सलेक्शन किया गया। उन्हें जो है मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाना था, तो अधिकतर जिलों से जो है लड़कियों लोग का ही चयन हुआ, हमारे जिला से भी लड़की का ही चयन हुआ। इस कारण से मुझे जो है ये मौका नहीं मिल पाया कि मैं अपनी बात को जो है मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकूं। मगर जितने भी लड़कों लोग का चयन हुआ था या लड़कियां का चयन हुआ था, उन्हें जो है मैं पर्सनली मैं उनके पास गया, उनसे बात किया और ये बात समझाने की कोशिश की कि आप इस बात को जो है मुख्यमंत्री के सामने रखिएगा, क्योंकि ये जो है सुनहरा मौका था। इसमें बहुत बड़े अच्छे अच्छे नेता आए हुए थे और साथ ही साथ पदाधिकारी भी थे, तो हमारी बात को जो है अच्छे से सुनी जा सकती थी। और लड़कियों ने भी जो है अदम्य साहस का जो है परिचय देते हुए, जैसे ही नियुक्ति पत्र समारोह खत्म हुआ, अब वो सभी जो है मुख्यमंत्री का जो है घेराव कर लिया और अपनी बातों को रखने लगे। जो लेटर हमारे द्वारा उन्हें दिया गया था, उन्हें जो है मुख्यमंत्री के सामने रख दिया और साफ ही साफ बोले कि हमें जो है गृह जिला चाहिए, बाहर वाले जिले में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी भी जी जो है इस बात का संज्ञान लेते हुए, जो हमारे सचिव है राजस्व एवं भूमि सुधार को, उनसे ये बात कहा कि इन सभी का जो है ये मुद्दा आप देखिएगा। और साथ ही साथ जो मंत्री हैं हमारे आलोक कुमार मेहता जी, उनसे भी कहा कि इन बच्चों लोग को जो है ज़्यादा दुखी मत कीजिए, इस पे आप संज्ञान लीजिए। तो संज्ञान लेने का मतलब क्या है, मौखिक तौर से ही बोला गया है, मगर मुख्यमंत्री जी के पास जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को रखा गया है कि हर एक राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव को अपना गृह जिला मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात होती है कि जो हमारे सचिव महोदय हैं राजस्व भूमि सुधार के या मंत्री जी है, कब तक क्या एक्शन लेते हैं इसके लिए। मगर जो लड़कियों लोग का जो काम था बहुत ही ज़्यादा तारीफ के काबिल था, तो एक लाइक जो है उन सभी लड़कियों के लिए ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ जो है स्टेज में जाकर उन सभी लेटर का जो है मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री के सामने जो है रखा। और जल्द ही पॉजिटिव न्यूज आने की संभावना है दोस्तों। तो आज का जो समारोह था बहुत ही अच्छा लगा, इसमें शामिल होकर बहुत अच्छे अच्छे चीज़ जो है सीखने को मिला। आई होप नेक्स्ट टाइम जो है आपका भी यही मौका जरूर मिलेगा, आप भी जो है इसी तरह के फंक्शन में जो है पार्टिसिपेट करोगे और बहुत ही नज़दीके से जो है इन सभी को देखने को मौका मिलेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जल्द जो है आपको खुशखबरी मिल जाएगी। जो 3 अपडेट था कि बिपार्ड में आपका ट्रेनिंग होने वाला है, लैपटॉप मिलने वाला है और साथ ही साथ जो है आपका गृह जिला भी मिलने का अधिक चांस है यदि हम लोग प्रेशर बनाते हैं तो दोस्तों लगातार जो है इस पर मेहनत किया जाएगा कि हमें जो है गृह जिला कैसे मिले, क्योंकि सबका हालत ख़राब है। मैंने यहाँ पर जो बहुत लड़कों और लड़कियों से बात भी किया इस मैटर पे, तो सभी का यही हाल है कि 300-400 किलोमीटर से किसी का कम है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी को जो है इस बारे में सोचना चाहिए, जो लड़कियाँ लोग जो हिम्मत करके स्टेज पर गई उनका जो है बात मान के जो है
किसी भी तरह हमें जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। और मैं पंचायत सचिव को भी यही बोलूंगा कि यदि हम लोग का या आप लोग का दोनों में से किसी का भी यदि गृह जिला मिलता है तो बहुत ही अच्छी खबर है। इस बेसिस पे जो है हम लोग आगे लड़ सकते हैं, तो हमें है साथ रहने की जरूरत। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ मैं इस वीडियो में, तो जिससे कि आपको एक हिम्मत मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरह न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।